बिलासपुर सदर मंडल के अध्यक्ष। संगठन प्रभारी नरेंद्र अत्री की अध्यक्षता में 101 बूथ अध्यक्षों में से 86 बूथ अध्यक्षों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इस अवसर पर बिलासपुर सदर से बीजेपी विधायक सुभाष ठाकुर सहित पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर भी मौजूद रहे। बिलासपुर सदर मंडल के अध्यक्ष पद के लिए धोलरा स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हंसराज ठाकुर को मंडल अध्यक्ष पर चुने जाने में अपनी सहमति प्रदान की। मार्केट कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सदर मंडल अध्यक्ष चुने जाने पर हंसराज ठाकुर ने सभी बूथ अध्यक्षों का आभार जताते हुए पार्टी के लिए सत्य निष्ठा से काम करने की बात कही, तो साथ बीजेपी हाईकमान द्वारा तय कार्यक्रमों में सदर कार्यक्रमों को एकजुटता के साथ बढ़ चढ़कर भाग दिलाने और कार्यक्रमों को सफल बनाने की भी बात कही है। एन स्टार न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। मैं हंसराज ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल से एक साधारण कार्यकर्ता और वर्तमान में टीपीएमसी के चेयरमैन पद पर कार्यरत था। भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल ने जहाँ सुभाष ठाकुर जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए, वहीं आज सदर मंडल के संगठनात्मक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने और सभी नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्षों ने जिस प्रकार से मुझ पे विश्वास जताया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करूं, मैं सदर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को, अपने वरिष्ठ नेताओं को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सदर मंडल में आगे ले जाने का कार्य किया है, मैं निरंतर उस कार्य को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा और जहां पर मुझे अपने नेतृत्व से माननीय अपने जुझारू विधायक जी से परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी, इनके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए मैं हमेशा अपने अध्यक्ष अपने विधायक महोदय से बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा और सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हो या कनिष्ठ कार्यकर्ता हो, मैं सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को नई बुलंदियों पर ले जाने का प्रयत्न करूँगा और भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान की तरफ से जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को दिए जाएंगे सदर मंडल उसमें हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएगा।